हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू टॉपिक कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट. सो वी नो अबाउट द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. इट इज़ द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स. दिस वॉज सेट बाय हेनरी एल्सिस्क. नाउ कम टू द कंसेप्ट. ओके, फर्स्ट कंसेप्ट इज मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी. मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी है लाइक प्लेइंग, स्टडिंग, टीचिंग, मैनेजमेंट भी इसी तरह से एक एक्टिविटी है चीज़ों को परफॉर्म करने की. ठीक है, मैनेजमेंट हैज़ बीन डिफाइंड एज द आर्ट. आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल. अदर पीपल्स के एफर्ट से कोई भी काम, किसी भी तरह की एक्टिविटी जब परफॉर्म की जाती है तो उसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं. ठीक है, एक ग्रुप एक्टिविटी है वेर इन द मैनेजर्स डू टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ग्रुप. ठीक है, और एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं वो मैनेजमेंट की? इंटरपर्सनल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, डिसीजनल एक्टिविटीज़ और इंफॉर्मेटिव एक्टिविटीज़ भी होती हैं. इंटरपर्सनल एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं कि एक दूसरे से हमें एक पूरा रिलेशन मेंटेन करके चलना होता है. कोई भी एक सिंगल पर्सन कोई भी वर्क सिंगल इंडिविजुअली परफॉर्म नहीं कर सकता. तो इंटरपर्सनल एक एक्टिविटीज़ कोई सा भी लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, चाहे टॉप लेवल है, सबको एक दूसरे से एक रिलेशनशिप मेंटेन करके चलनी होती है. डिसीजनल एक्टिविटीज़ मतलब मैनेजमेंट में हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, मतलब ये एक डिसीजन प्रोसेस होता है, इसको एक डिसीजन प्रोसेस भी कहा गया है. तो हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं तो इसलिए इसको डिसीजनल एक्टिविटीज़ कहा गया. इन्फॉर्मेटिव एक्टिविटीज़, अगर हमें डिसीजंस लेने हैं तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करनी होती है, हमारे पास इन्फॉर्मेशंस होना बहुत ज़रूरी है डिसीजंस लेने के लिए, तो इसको इन्फॉर्मेटिव एक्टिविटी भी बोला गया है. अब सेकेंड पॉइंट आता है हमारा मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस. मैनेजमेंट प्रोसेस है ये, हम पिछली वीडियो में भी हमने ये चीज़ देखी थी कि एक प्रोसेस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारे प्रोसेस जितने भी फंक्शंस हैं ये सारे प्रोसेस हैं मैनेजमेंट के. ठीक है, क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है एक सीरीज़ इंटर रिलेटेड फंक्शंस की, जैसे POSDC जिसे हम बोलते हैं POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग. तो ये कंसिस्ट करता है ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशन के एंड टेकिंग स्टेप्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स. उसके मतलब एक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे ऑर्गेनाइजेशन के, उनको कंसिस्ट किया जाता है थ्रू दिस प्रोसेस. तो मैनेजमेंट क्या हुआ? एक प्रोसेस हुआ विच इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शंस. मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस. प्रोसेस में फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. सोशल प्रोसेस भी है मैनेजमेंट. ठीक है, मैनेजमेंट सोशल प्रोसेस कैसे है कि इंटरेक्शन होता है अमंग द पीपल. ठीक है, गोल्स अचीव किए जाते हैं और जब रिलेशंस होते हैं पीपल के बीच में तो ही वो वर्क टास्क परफॉर्म की जा सकती है और पीपल प्रोडक्टिव वर्क दे सकते हैं. और ह्यूमन फैक्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. ह्यूमन फैक्टर जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मैनेजमेंट का. तो इसलिए ये सोशल प्रोसेस है, क्योंकि जितना भी वर्क है इज डन बाय द पीपल्स, तो ये एक सोशल प्रोसेस को रिगार्ड किया गया. इंटीग्रेटेड प्रोसेस कैसे है कि जो मैनेजमेंट है इट ब्रिंग्स ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टुगेदर टू पुट इन टू एफर्ट्स. मैनेजमेंट एक साथ लाता है ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एक साथ लाता है. इट ऑल्सो इंटीग्रेट ह्यूमन एफर्ट सो एज टू मेंटेन हारमनी अमंग देम. जितनी भी एक इंटीग्रेशन के थ्रू ही कोई भी वर्क कोऑपरेशन से कंप्लीट किया जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. जो मैनेजमेंट है नेवर एंडिंग प्रोसेस है. ठीक है, कॉन्टीन्यूस चलता रहता है. सॉल्विंग प्रॉब्लम्स जो है कॉन्टीन्यूसली अराइज होती रहती है और उनको आइडेंटिफाई करना, सॉल्व करना, ये भी एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. और ये रिपीटेडली एवरी नाउ एंड देन रिपीट होता रहता है, कॉन्टीन्यूस चलता रहता है जब तक कि हमारा गोल अचीव नहीं होता. और जब हमारा गोल अचीव हो जाता है तो हम दूसरे गोल सेट कर लेते हैं. तो ये इसलिए नेवर एंडिंग एक प्रोसेस होता है. इंटरैक्टिव प्रोसेस कैसे है? मैनेजीरियल फंक्शंस आर कंटेन्ड विद इन ईच अदर. हर जो जितने भी इसके फंक्शंस हैं, प्रोसेसेस हैं, सब में जो मैनेजीरियल फंक्शन है वो मिलते हैं, वो देखे जा सकते हैं. जैसे कि मैनेजर प्रिपेयर्स प्लान. अगर कोई भी मैनेजर कोई भी प्लान प्रिपेयर कर सकता है, ही इज़ ऑल्सो लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोल. अगर प्लान किया है
तो जितने भी प्रोसेस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, सारे प्रोसेस के बाद कंट्रोलिंग भी, अगर प्लान किया है वो वर्क कैसे कंप्लीशन पे आया है, वो सब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो हमारे एक्चुअल जो हमें आउटकम मिला है उससे हम अपना जो प्री डिटरमाइंड आउटकम था उसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट एज एन इकोनॉमिक रिसोर्स। मैनेजमेंट क्या है, एक इकोनॉमिक रिसोर्स है, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल। मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो मैनेजमेंट जो है वो इन सबसे इम्पॉर्टेंट है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब बिना किसी यूज़ के अगर हम इनको मैनेज कर लें अच्छे से, तो अगर हमारे पास रिसोर्सेज भी कम है तो हम आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट ऑक्यूपाई करता है एक सेंट्रल प्लेस अमंग प्रोडक्टिव फैक्टर्स, जितने भी प्रोडक्टिव फैक्टर हैं, और ये कंबाइन करता है, कोऑर्डिनेट करता है और सारे रिसोर्सेज को। ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन एस्पेक्ट है, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो रन करते हैं मैनेजमेंट को, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसमें जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है। नाउ नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज अ टीम। तो एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन मैनेजमेंट एक कंसिस्ट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गाइडिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर पर्सन्स। एक टीम में अगर हम काम करेंगे वो तभी कंप्लीट हो सकता है। दीज पर्सन आर कॉल्ड मैनेजर्स। जो भी मैनेजमेंट जो पर्सन होते हैं मैनेजमेंट के, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को गाइडिंग और कोऑर्डिनेटिंग से, अपने एफर्ट से जो पर्सन्स काम करते हैं उनको मैनेजर्स कहा जाता है। और वो ऑपरेट करते हैं डिफरेंट लेवल्स पे। डिफरेंट लेवल्स अथॉरिटी की होती है, चाहे वो टॉप लेवल पे हैं, मिडिल पे हैं या ऑपरेटिंग लेवल पे हैं। सम ऑफ दीज मैनेजर्स हैव ओनरशिप स्टेक इन देयर फर्म। कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं, कुछ होते हैं जो वर्च्यू से, मतलब जिनको वर्च्यू ऑफ देयर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनको मैनेजमेंट मिलता है। जो सिविल सर्वेंट या डिफेंस जो पर्सनल होते हैं डिफेंस के, वो भी एक जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जो पार्ट होते हैं, वो भी एक मैनेजमेंट टीम होती है, क्योंकि उनका अपना एक एलाइट क्लास है सोसाइटी में। ये ऑक्यूपाई करते हैं एक अच्छी पोजिशन विद एनॉर्मियस पावर्स एंड प्रेस्टीज। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मैनेजमेंट एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। एक मैनेजमेंट जो है एक स्पेसिफाइड ब्रांच ऑफ नॉलेज है। ठीक है, ये हमें पता ही है, हमने फर्स्ट डेफिनेशन से ये पढ़ा है कि मैनेजमेंट क्या होता है। एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है नॉलेज की, वो कंटेन करती है बहुत सारे, कंप्राइज करती है प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इट हैज़ बिकम अ वेरी पॉपुलर फील्ड ऑफ स्टडी एज इन एविडेंट फ्रॉम द ग्रेट रश फॉर एडमिशन इन टू इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं उसके अंदर बहुत रश होता है, ये जो हमारा कोर्स है मैनेजमेंट का करने के लिए। तो ये एकेडमिक डिसिप्लिन भी है। जब तक हम मैनेजमेंट का मीनिंग या उसकी जो क्या कहते हैं की कंसेप्ट हैं, जब तक हम उनको नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें एक अच्छा सा जो एक एजुकेशनल आस्पेक्ट है वो नहीं मिलती। तो इसलिए इसको रिवॉर्ड किया गया चैलेंजिंग अपने करियर के लिए। हम इसकी स्टडीज़ भी करते हैं इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, तो ये रिगार्ड होता है एज एन एकेडेमिक डिसिप्लिन। मैनेजमेंट एज अ ग्रुप। मैनेजमेंट एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पर्सन ऑक्यूपाई करते हैं मैनेजीरियल पोजिशन। इट रेफर्स टू ऑल दोज इंडिविजुअल हु परफॉर्म मैनेजीरियल फंक्शंस। मैनेजीरियल फंक्शंस को जो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव भी आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, सुपरवाइजर्स एंड सो ऑन आर कलेक्टिवली नोन एज मैनेजमेंट। जैसे कि एक रिमार्क हमने देना हो, जैसे विप्रो लिमिटेड इज़ गुड, अगर हमें रिमार्क देना है तो हम विप्रो लिमिटेड के लिए अगर बोल रहे हैं तो हम रेफरिंग टू द पर्सन हु आर मैनेजिंग द कंपनी, जो उस कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। दे आर सेवरल टाइप ऑफ मैनेजर हु आर लिस्टेड एज अंडर। जो जितने भी मैनेजर्स हैं उन सबके लिए यहाँ पे, जो उसका मैनेजमेंट है उन सबके लिए यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, तो अब अगर हमने फैमिली मैनेजर्स की बात करनी है, तो कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो वर्च्यू ऑफ देयर बीइंग ओनर और रिलेटिव्स ऑफ द ओनर्स ऑफ अ कंपनी उनके थ्रू बनते हैं। ठीक है, कुछ प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं जिन्हें अपॉइंट किया जाता है ऑन द अकाउंट ऑफ देयर डिग्री और डिप्लोमा, जो वो पढ़ के आए होते हैं, उन्होंने जो कोर्सेज किए होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको, उनकी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग उनको मैनेजमेंट का जो वर्क है वो मिलता है। या सिविल सर्वेंट्स हैं जो पब्लिक सेक्टर्स को मैनेज करते हैं, पब्लिक सेक्टर्स को अंडरटेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मैनेजमेंट एज अ ग्रुप।
ये ग्रुप हमारा कंप्लीट हो गया है।